से तलक नहीं होता, सदर गैर जमाती होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर कोई जमाती बात है करे। Journalists, public functionaries, and other associated field. First of all, I am thanked to Allah Subhanahu wa Taala for restoring this Prince of Health to the President of State of Azad Jammu and Kashmir. Today is very important day for me. Finally, Janab Barrister Sultan Mahmood Sahab, un jai rahe Janab. Program mein tum khatam ho gaya. Thank you, sir. ए पार है मोहम्मदी प्लाजा, ऐ तकी सकने हो इतना है। आज रियाज साहब भी आए हुए और ट्रैफिक किस है हमारे उधर, ये ना आगे पीछे सारी रुकी हुई है। Hold up. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, लखा करोड़ा दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते उलनी आल उपर। मौजूद नाज़रीन, तुसां तकड़े हो पे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल वकास होरी व्लॉग्स और मैं हां तुसां दा मेज़बान वकास होरी। अज जनाब सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं और सुबह सुबह तैयार होए हैं। कुत्ता तैयारी है, तैयारी बनी की है जनाब, मीरपुर जाने नहीं। मीरपुर जी जुले उ दो त्रै किस्म के कम है और जनाब निपटाने नाल फैमिली भी है, बैठी भी है, बड़ा बिजी शेड्यूल साढ़े अजक चलने पे पता ही है। अज की करो, अगर मौसम की गल की जाए तो ये तकी सकते स्मोक उपर सारी, ये तकी सकते स्मोक किस कदर है ये क्योंकि उस कि यह पानी भी सही ना दिसना वै, उस की फिल्म भी सही ना दिसनी वै। उसका चैनल पर नवे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करी ओड़ो। जुलने मीरपुर तकने क्या कुछ सूरत हाल बननी है, क्या कुछ शुगर मेले होने, क्या कोई कम काज निकले, जेड़े भी निकले तो नालों आ रहे सन। दुआ करो कि जो स्मोक ना जो मौसम है ना ये होना बड़ा खतरनाक है और इससे कोशिश करो कि सफ़र घट करो, लेकिन बहुत जरूरी वह तो मास्क ना इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि जी आवाज़ चलनी है ना ये तो अंदर चस्ट की फेफड़े की गले ने इन्फेक्शन बुखार ये आनी सकती है, खतरा बड़ा है। पर चलो चलने कुछ मीरपुर उतर जाके उस मुलाकात करना है। अगर मौसम की गल की जाए जैसा कि ऐतको सूरज मावं ए तक है, लेकिन यह है कि छुपे हुए धुंद में यह धुंद इस कदर है कि हिसाब ही नहीं। बस भी आई है जनाब मीरपुर तू, ए तको जनाब जानी है डुडयाल मीरपुर, ये भी जानी तो इधर जानी है, फिर वापस डुडयाल असा जाना इधर पलाके वाले पास वापस मीरपुर वाले पास सारा सफर शुरू होगा। अपनी तशरीफ रखे जनाब माजारा किने बार आपसे गुजारिश है कि जो जितने भी दोस्त यहाँ पीछे खड़े हैं वो निश्चितों पे आगे तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Yeah।
खुदरिया इलाही और घर तब वक्त तेरा जे एक कतरा कम बढ़ जा मेरा बख्शे जा चौधरी अरशद हुसैन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑनरेबल यासर सुल्तान चौधरी मिनिस्टर फॉर फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग ऑनरेबल मैडम नबीला अयूब खान स्पेशल असिस्टेंट गवर्नमेंट फॉर लॉ जस्टिस ह्यूमन राइट्स ऑनरेबल मैडम सबिया सदीक चौधरी स्पेशल एडवाइजर फॉर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर ऑनरेबल पब्लिक फंक्शनरीज रिस्पेक्टेड मेंबर एजेके पावर काउंसिल the journalists, public functionaries, and other associated field. First of all, I am thanked to Allah subhanahu wa ta'ala for restoring the springs of health to the President of State of Azad Jammu and Kashmir. Today is very important day for me, my cabinet, and also District Bar people. We have the honor of hosting the Honorable President of Azad Jammu and Kashmir. I want to extend a warm welcome to all of you and special thanks to our guest of honor for sparing time from his busy schedule to participate and enhance the dignity of this event. कश्मीर को समुद्र भी दुआ देता है अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब सदर रियासत आजाद हुकूमत जम्मू कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को जनाब सदर मैंने बड़े गौर से आपकी तकरीर सुनी आपने कश्मीर का भी जिक्र किया और लोकल मसाइल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की भी बात की मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मीटिंग का एहतमाम किया और मुझे यहाँ पर हुक्म दिया और मैं साथ मानना चाहता हूँ कि आपने पहले भी दावत दी थी बल्कि आप वहाँ मेरे पास इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे आपकी पूरी टीम थी और आपने मुझे दावत दी और मैं यहाँ किसी वजह से नहीं आ सका खराबी सेहत की वजह से लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसके बावजूद आपने मुझे आज दावत दी और मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बार की मीटिंग थी और आपने इसे एक जलसयाम की सूरत दे दी और बीइंग अ पॉलिटिशियन आई थिंक आई लाइक इट मैं ये इस बार का मेंबर भी हूँ एजाजी मेंबर भी हूँ और मुझे खुशी है कि आज यहाँ आपका चीफ गेस्ट भी हूँ और इंशाल्लाह मीरपुर बार ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने हिस्सा दिया है आप जानते हैं कि मैं जब पहले वजीर आजम था तो यहाँ पे रोड्स की बड़ी मुश्किल हालात थी और बाद में कहा जाता रहा कि सुल्तान महमूद ने शायद यहाँ कोई जहाज उतारना है तो इंशाल्लाह जहाज भी उतारूंगा लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए और आपकी हमायत चाहिए लेकिन यहाँ पे ये कहा गया
कि ये फजूल है, लेकिन आज आप देखते हैं कि बीएमएमएल रोड जहां पे दो गाड़ियां भी आमने सामने नहीं चल सकती थी, आज वहां पर ड्यूल टैक्स से तलक नहीं होता, सदर गैर जमाती होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर कोई जमाती बात न करें, आप मुझे सदर ही रहने दें और मैं सब जमातों को, मुझे एजाज असल है कि 24 अक्टूबर को भी वहाँ पे मुझे मुजफ्फराबाद में ये एजाज असल हुआ कि मैं वो परेड का मुआयना भी कर सकूँ और वहाँ पर कह सकूँ। तो मैंने आज़ाद कश्मीर की सारी जमातों को इकट्ठा किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी और दीगर जमातें भी थी, पीटीआई भी थी, और सबको एक ही करने के लिए मेरी कोशिश है। और इंशाल्लाह ताला हम उसी सूरत में आगे, शफीक साहब ने वो कश्मीर की बात की है और उसमें कमी यही है कि हम अपनी बातों में उलझे हुए हैं, हम सब इकट्ठे हो गए इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी के लिए। हमारा हम इससे खुश खाली नहीं होते कि वो उन्होंने 370 आर्टिकल को दोबारा आज़ाद कश्मीर, इनसे मैं कहूँगा कि इनकी हाउसिंग स्ट्रीट के मामले को तय किया जाए और इनको अगर बरहरों के पास नहीं तो कहीं और शहर में इनको अकोमोडेट किया जाए। इनके चैम्बर्स का मामला भी है, उसके लिए कुछ जो किसी बिल्डिंग की बात जा रही है, आज सुबह में मेरी कुछ सब वेलकम करता हूँ। भट्ट साहब को सीटा बदल गई होती, फाइनली जनाब बरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हम जाहिर हैं जनाब, प्रोग्राम इतना ख़त्म हो गया, थक ही सक रहे जनाब। A few inches later, Mirpur mein jnab smoke 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 har taraf smoke na, season start ho chuka hai, khatra bada hona, bimariyan idhar tak hi sapne ho jnab, main film banana pya to pata lana pya ki dhund pai bhi hai lekin smoke hai, par Allah taala sare ki apne hifz o iman ch rakha hai kyunki isne kafi bimari phaili jani hai, gale chale kharab ho jane, flu ho jana, chalo hai jnab Mirpur to guzarne yahan pe सरकारी अस्पताल है कोलू। फाइनली जनाब मैं बहुत सारे मामला तो फारग होने तो बाद मामदे प्लाजा उतना जाना, कंप्यूटर ही हार्ड डिस्क नहीं, कोई चीज़ा कि नहीं है, पार है मामदे प्लाजा है, तक ही सकने हो आज रियाज साहब भी आए हुए और ट्रैफिक किस है हमारे उतरी है ना, अगर पीछे गाड़ी रुकी हुई है मामदे प्लाजा आज तक गए हैं पर पता नहीं लभियां भी हैं जनाब, तकने हो पुलिस खलती और एजेंसी होटल ने कॉल क्योंकि सदर साहब आए हुए इधर एम्बुलेंस सशनी है पे बारा, चलो चीज असन की चाहिए नहीं है वो पता करना है, बाकी सोचे आप सोचे नालो ना दस महमदी प्लाजा भी ताई गए हैं लेकिन चीज लौड़ने हैं पता नहीं लभनी है नहीं लभनी, इतने तो सारे मोबाइल नहीं है दुकान मिलनी थी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ठीक हो सर जी? अच्छा मैं दसो कंप्यूटर जी हार्ड ड्राइव होनी इसलिए कुछ चीज़ा उसमें को अवेलेबल होनी है कोई नीचे? थैंक यू, मैं जहाँ बाया से मैं गास आई गया बारह बड़े अच्छे पाए ने मशवरा दिता नीचे बेसमेंट जो मिल सी कंप्यूटर ने मिल सकता है, दुकान का नाम है तक जनाब बड़ा है ब्राइन स्टोर जबरदस्त इतना है, चलो हूँ आई गए तो इन्हें को लगना माल भी नवा नवा आया हुआ, ये दसी जुलने कि ये मोबाइल कवर मोबाइल ने मुतल सारिया चीज़ा मिली जनाब, बड़े अच्छे भाई है जनाब इन्हें असा कि मशवरा भी दिता
के नीचे बेसमेंट जो कंप्यूटर या माल उतो लग चल फाइनल जनाब आई गया जी चीज चाहिए सी दुकान का नाम जी Sky Computer and Mobile. Sky Computer and Mobile. And mobile. मैं तो नहीं पता कि क्या चीज होनी है वैसे होनी क्या चीज होनी है लंबी केबल ना बाने पे कि इसकी लंबा करने इसने लंबा नहीं होना केबल लगनी हो फिर केबल लेनी पैसे एक्स्ट्रा वो भी एक्स्ट्रा कितनी पैसे ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਐ ਜਨਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਣਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਐ ਮਨੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੋ ਆਨਸਰ ਚੌਥੀ ਕਾਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣੇ ਕਿਣੀ ਜਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਡੁੜਿਆਲ ਜਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡੁੜਿਆਲ ਪਾਰਸਲ ਵਾਸ਼ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਣੇ ਕਿਣੀ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਾਣਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਰੋ ਪਾਰਸਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਸੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਪਾਰਸਲ ਵਾਲੇ 2-250 ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਾਈਨਲੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਰੋ ਜੀ ਭਾਈ